नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करें। जी हां दोस्तों, अगर आपको फेसबुक अकाउंट को पूरी तरह से डिलीट नहीं करना है, ओनली डीएक्टिवेट करना है कुछ दिनों के लिए, तो आप किस प्रकार करोगे, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो आपको अपनी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपनी फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना है। जो प्रोफाइल है वो आपको राइट साइड कोने में ये आइकॉन बना हुआ दिखाई दे जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग का बटन आपको ऊपर भी दिखाई दे सकता है, अगर आपको ऊपर दिखाई ना दे तो नीचे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का बटन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने सेटिंग का बटन सबसे ऊपर आ गया है। अब आपको सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़ा पेज को स्क्रॉल करना है और नीचे की साइड एक बटन दिखाई देगा, एक्सेस एंड कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन है जो डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा डीएक्टिवेट अकाउंट, यानी कि आपको इस बटन पर ही टिक रहने देना है और नीचे जो कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेट है आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डालना होगा और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। जो आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड वो यहाँ पर डालें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आपका फेसबुक अकाउंट कुछ दिनों के लिए यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा, जो किसी को शो नहीं करेगा, सिर्फ आप उसको खोलकर देख सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते